हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। सो इस वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो वीडियो के टाइटल को देखकर आपको पता लग गया होगा कि हम कौन से टॉपिक के बारे में यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस, यहां पे मैं बात करने वाला हूं अपॉर्चुनिटीज के बारे में, राइट। तो गाइस, इस टाइम पे आप किस तरीके से जॉब ले सकते हैं, किस तरीके से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ, मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिसेशन के टाइम की, कि इस टाइम पे फ्रेशर्स के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए जॉब लेना कितना क्रिटिकल हो चुका है, राइट। आपको देखने को मिलता है कंपनीज का ले ऑफ काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, इस कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, इस कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। तो इस टाइम पे आप किस तरीके से जॉब ले सकते हैं विद प्रॉपर स्किल सेट, विद डिमांडिंग स्किल सेट। तो गाइस, इस वीडियो में मैं कुछ गारंटी जॉब्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो फ्रेशर्स के लिए एंड ग्रेजुएट्स के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करना एंड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वी आर ऑल्सो गेटिंग सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम 2022 बैच, 2023 बैच एंड इवन 2021 बैच, जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली है, दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर जॉब, लाइक फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं। तो बेसिकली फ्रेशर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों जॉब नहीं मिल पाती है, फ्रेशर्स को इसलिए नहीं मिल पाती विद देयर प्रॉपर स्किल सेट और अपॉर्चुनिटीज। या तो आपके पास स्किल सेट नहीं है या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है जहां पे आप अपने स्किल्स को शो कर सकते हैं, राइट। ये दो मेन रीजन आपके हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि फ्रेशर जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, जो कॉलेज लेवल पे आपको सिखाया जाता है वो कंपनीज की रिक्वायरमेंट से मैच ना करता हो, कभी कभी नहीं करता है, बिकॉज कंपनी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। दे आर हायरिंग लाइक रियल वर्ल्ड लाइक कैंडिडेट, जिनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, हैंड्स ऑन स्किल्स होती है। एक्सपीरियंस में वो वाला एक्सपीरियंस नहीं करा कि आपने कहीं पे वर्क किया है, कहीं पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं, स्किल्स का एक्सपीरियंस, लाइक स्किल्स का जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके पास होता है वो आपके पास नहीं होता है। तो कंपनीज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, आपके स्किल्स डिफरेंट होते हैं, उस तरीके से मिस मैच होता है, आपका मैच नहीं हो पाती है स्किल्स, तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पे मैं कुछ डिमांडिंग स्किल के बारे में बात करने वाला हूँ, जो आईटी स्टूडेंट्स है, फिर नॉन आईटी स्टूडेंट्स है, वो सारे स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली आपने सुना होगा स्किल्स के बारे में, जहां पे आप अपना करियर ग्रोथ कर सकते हैं डिमांडिंग स्किल के साथ। अगर मैं बात करूं जो डिमांडिंग स्किल है वो है डेटा एनालिटिक्स, या आई एम श्योर कि आपने सुना होगा डेटा एनालिटिक्स के बारे में, जिनमें आपको ज्यादा कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें आपके आईटी स्टूडेंट्स एवं नॉन आईटी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं एंड काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं आपको आगे जाके। तो गाइस, स्किल्स तो आपके पास है, आपको पता है कि इस स्किल में हम सीख कर जा सकते हैं, बट इसका पाथ किस तरीके से होगा, हम कहां से इसको सीख सकते हैं विद प्रॉपर वे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विथ गारंटीड जॉब्स, कि आपको पता होगा कि हम स्किल के सीखने के बाद हमें जॉब मिलने वाली है, तब आपको वहां पर मोटिवेशन भी होगा कि यस, अगर मैं स्किल को सीख लेता हूं तो आपको आगे जाके जॉब मिलने वाली। तो गाइस, यहां पे मैं आपको एक प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जो कि है ग्रेट लर्निंग। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इनका पूरा प्लेटफॉर्म वर्क करता है एंड यहां पे जो आप डिमांडिंग स्किल के बारे में सोच रहे हैं कि आप अपने स्किल्स को आगे करियर ग्रोथ में लाइक कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप यहां से इसको सीख सकते हैं। तो ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्रेट लर्निंग के प्लेटफॉर्म के बारे में, तो ग्रेट लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे डेटा एनालिटिक्स के बारे में, कि किस तरीके से आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं एंड ऑल्सो अपना करियर बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ ग्रेट लर्निंग के डेटा एनालिटिक्स के प्रोग्राम के बारे में। तो बेसिकली मैं आपके साथ रिकमेंड करना चाहूँगा, बिकॉज मैंने इस प्रोग्राम को देखा तो मुझे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली हैं। सो यहाँ पे आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ किस तरीके से प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्न डेटा एनालिटिक्स एंड गेट गारंटीड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी एज ग्रेट लर्निंग करियर अकेडमी। सो बेसिकली जो मैं सबसे अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे आपकी स्किल बेस्ड नहीं होने वाली है, अगर आप जो भी सीखेंगे उसके बाद आपको गारंटीड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, राइट। तो स्किल के बाद आपको स्किल शो करने का यहाँ पर डेफिनेटली मौका मिलेगा एंड यहाँ पे जो कोर्स है वो फुल 4 मंथ्स का है एंड फुल टाइम क्लासरूम और ऑनलाइन फॉर्मेट भी है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्लासरूम में भी अवेलेबल है एंड ऑनलाइन फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं क्लासरूम में आप डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप क्लासरूम ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे ग्रोथ होती है, नेटवर्किंग आपका वहाँ पे ग्रोथ होती है, क्योंकि आप 1-to-1 इंटेक कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं, आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इस तरीके से डेफिनेटली आपकी नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन ग्रोथ होने वाली है अगर आप क्लासरूम करते हैं। क्लासरूम का यहाँ पे एक और फायदा होने वाला है, क्योंकि इनका जो प्रोग्राम है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ लाइक दिल्ली एनसीआर एंड बेंगलोर, चेन्नई, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में, आईटी सिटीज़ में। सो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं
आईटी सिटीज में जाते हैं, तो आपको वहां पे जो आईटी का बैकग्राउंड होता है, एनवायरमेंट होता है, तो उस तरीके से कॉम्पिटिशन को देख पाते हैं, राइट। सो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एप्लीकेशन जल्दी से क्लोज होने वाले, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड लाइक ब्राउचर करना है। इसके बारे में हम बात करेंगे किस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट लाइक फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम 2021 टू 2023 एंड 4 बैच इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसको एनरोल कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था गारंटीड अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 10 प्लेसमेंट गारंटीड अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस प्रोग्राम को करने के बाद। इसमें अगर मैं बात करूँ जो CTC होता है अपॉर्चुनिटीज़ का, जो कंपनीज हायर करती हैं, तो उसमें आपका मिनिमम होता है आपका 3 LPA से हाईएस्ट हो सकता है 3 to 12, 3 to 10 LPA। एवरेज सिटी से इनका जाता है 4.6 LPA। यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज जो हायर करते हैं ग्रेट लर्निंग के थ्रू, एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में प्लेस भी हो सके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस करियर के स्टार्ट लाइक फ्रेशर्स जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में लगे हैं, आप इनकी स्टोरी भी देख सकते हैं किस तरीके से यहीं से ग्रेट लर्निंग से वो प्लेस्ड हुए हैं, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स से विद डिफरेंट कंपनीज। तो कैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे व्हाई चूज दिस प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं कि प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका CTC है काफ़ी अच्छा CTC है, एंड गारंटीड अपॉर्चुनिटीज़ भी होने वाले हैं, एंड इंडस्ट्री लेवल पे आप सीखने वाले हैं, आपको रियल टाइम एग्जाम्पल्स रियल टाइम इंडस्ट्री एक्सपर्ट से आप यहाँ पे सीखेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो हायर करते हैं ग्रेट लर्निंग से, तो लाइक देख सकते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, IBM, सर्विस बेस्ड प्लस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सारी कंपनीज को आपको यहाँ पे देने का मौका डेफिनेटली मिलने वाला है, राइट। तो गाइस, और इसमें बेनिफिट क्या होने वाला है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा आप जिस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं, सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन, तो आपका जो प्रोग्राम कंप्लीशन होने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से सर्टिफिकेट मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे करिकुलम की, किस तरीके से यहाँ पे आपका सिलेबस होने वाला है, बेसिक इंट्रोडक्शन सिलेबस का लाइक बेसिक ऑफ एक्सेल, पूरा एक्सेल, SQL प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड टेबलू एंड सारी चीज़ें जो डेटा एनालिसिस में आती हैं, एक प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स में जो स्किल्स आती हैं वो सारी स्किल्स आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। ओके गाइस, यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ उनके ऑलरेडी जो प्लेस्ड हुए हैं स्टूडेंट्स, कौन किस तरीके से कितने पैकेज पे प्लेस्ड हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी रिपोर्ट को डाउनलोड आप कर सकते हैं डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के बाद, कि किस तरीके से यहाँ पे प्लेस्ड हुए हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 6000 प्लस फ्रेशर्स यहाँ पे प्लेस्ड हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 LPA 9 LPA, सो बेसिकली यहाँ पे सभी का CTC काफ़ी हाई है, 8 LPA 6.5 LPA, सो आप एवरेज सैलरी यहाँ पे देखेंगे 6 to 9 LPA पे काफ़ी सारी फ्रेशर्स यहाँ पे प्लेस्ड हुए हैं। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए होने वाली है। आपको क्या करना है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे इसको एनरोल करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड ब्राउजर पे जाना है, एंड यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, जैसे कि मैंने रजिस्टर किया है, एंड इसके बाद डाउनलोड ब्राउजर करेंगे तो आप डेफिनेटली इसमें रजिस्टर कर पाएंगे। ओके, सो डेटा एनालिस्ट का प्रोग्राम इस तरीके से ओपन हो जाएगा, आप इसको ओवरव्यू भी देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग एंड किस तरीके से प्रोग्राम वर्क करने वाला है आगे, तो इनका वर्कशॉप भी होने वाला है, तो डेफिनेटली आप वर्कशॉप में भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड इस प्रोग्राम की भी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड आप वर्कशॉप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर डाउट्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, सो आई होप यू लाइक दी वीडियो, एंड आगे की वीडियोस में इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करता रहूँगा, गारंटीड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एंड जॉब्स के बारे में। सो आई होप यू लाइक दी वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।